हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 7 जून 2023 के करंट अफेयर्स। आज की फर्स्ट न्यूज़ है केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट लॉन्च्ड बाय। सो एक प्रोजेक्ट रिसेंटली लॉन्च किया गया है जिसका नाम है केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट। किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो नाम से पता लग रहा है केरला का है, मतलब एक स्टेट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है। तो केरला के सीएम पिनराई विजयन के द्वारा ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। अब इसके अंदर होगा क्या, दिस प्रोजेक्ट एम्स टू प्रोवाइड इंटरनेट फैसिलिटीज टू ऑल एट अफोर्डेबल रेट्स इन द स्टेट। बहुत सारे गरीब लोग ऐसे हैं जिन तक अभी तक इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं पहुंची है, तो इस तरह के लोगों को कम रेट पे इंटरनेट फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाने के लिए ये प्रोजेक्ट स्टेट यानी केरला स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है। सिक्किम न्यूज की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे एक अवार्ड की बात करेंगे जो कि हमारी प्रेसिडेंट को दिया गया है। अवार्ड का नाम है द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार। द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार, ये अवार्ड कन्फर किया गया है हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को। और ये अवार्ड है क्या, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ऑफ सरीनेम। सरीनेम क्या है, एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। तो अब मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी पढ़ने बैठो आपके सामने इंडिया का मैप, वर्ल्ड का मैप दोनों होना चाहिए। अब आप वर्ल्ड मैप के ऊपर देखें कि साउथ अमेरिका कहाँ पे है। ये कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका है ना, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, तो उन्हीं में से एक है साउथ अमेरिका। अब साउथ अमेरिका में इस कंट्री को ढूंढे, बहुत छोटी सी कंट्री है, ठीक है। तो वहाँ का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो कि हमारी प्रेसिडेंट को दिया गया है, एंड फर्स्ट इंडियन टू रिसीव दिस अवार्ड। इस अवार्ड को लेने वाले या इस अवार्ड को रिसीव करने वाले पहले इंडियन बनी है हमारी प्रेसिडेंट, ठीक है। थर्ड पॉइंट की ओर चलते हैं, तो एक कैंपेन रिसेंटली लॉन्च किया गया है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। कैंपेन का नाम है वन स्टूडेंट वन ट्री कैंपेन 2023, यानी कि एक स्टूडेंट एक पेड़ को ग्रो करवाएगा, इस तरह से है ये, ठीक है। तो अब ये जो कैंपेन है लॉन्च किया गया किसके द्वारा, AICTE के द्वारा, विच स्टैंड फॉर ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। टेक्निकल फील्ड में पूरे इंडिया में ये एजुकेशन का काम संभालती है AICTE, तो इनके द्वारा ये कैंपेन लॉन्च किया गया है। प्लस साथ में उन्होंने कुछ गाइडलाइंस भी इसके साथ लॉन्च की हैं फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन एट अंडर ग्रेजुएट लेवल। ग्रेजुएट लेवल क्या होता है कि आप BSc कर रहे हैं, BTech कर रहे हैं, BPharma कर रहे हैं, है ना, कोई भी आफ्टर प्लस टू जो भी आप कोर्स लेते हैं। अब क्या है कि अंडर ग्रेजुएट होता है कि उससे पहले, ठीक है, स्कूल लेवल पे कह सकते हैं कि एनवायरमेंटल एजुकेशन नाम का कुछ सब्जेक्ट स्टार्ट करना जिसमें बच्चों को क्लाइमेट चेंज के बारे में, वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में, पॉल्यूशन के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में बताया जा सके, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे AICTE का देख लेते हैं। हमने पढ़ा क्या, वन स्टूडेंट वन ट्री कैंपेन 2023 AICTE के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये हमारा मेन पॉइंट है। इससे आगे फिर हम बढ़ते जा रहे हैं और चीज़ें पढ़ते जा रहे हैं, बट मेन पॉइंट नहीं भूलना है, ठीक है। सो ये जो AICTE है, नेशनल लेवल काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन इन इंडिया, इंडिया में जो टेक्निकल एजुकेशन है उसको मैनेज करने के लिए नेशनल लेवल की ये काउंसिल है। इसकी फॉर्मेशन 1945 में हुई थी, बेशक प्रेजेंट फॉर्म में थोड़ा लेट बना है, बट ओरिजिनली 1945 में बना था। हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में और चेयरमैन है TG सीथाराम। अब देखिए, आपको हर एक ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन याद नहीं करने हैं, या तो कोई बहुत फेमस ऑर्गेनाइजेशन हो, या ऐसा कोई हेड या चेयरमैन हो जो बार बार न्यूज में रहता हो, या फिर किसी की अपॉइंटमेंट रिसेंटली हुई हो, या फिर कोई अपॉइंट किया गया हो चेयरमैन बट वो इंडियन ऑरिजिन हो, इस तरह का आपको याद करना है। अदरवाइज दुनिया में इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन है, इवन नेशनल लेवल पे ही इतनी ऑर्गेनाइजेशन है, तब तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। चलिए, इसी के साथ अब हम पहुंच गए हैं अपने फोर्थ पॉइंट की ओर। बट देखिए, यहाँ पे रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन जरूर प्रेस करें। फोर्थ पॉइंट है हमारा एक एग्रीमेंट, ठीक है, हिमाचल गवर्नमेंट एंड ऑयल इंडिया लिमिटेड के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। क्यों, फॉर प्रमोटिंग ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन। जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसको प्रमोट करने के लिए ये एग्रीमेंट हुआ है। अब ये ग्रीन हाइड्रोजन होती क्या है, ठीक है, बहुत इजी वे में समझेंगे, बट थोड़ा सा पहले थ्योरेटिकल वे में भी जान लीजिए। इट इज अ हाइड्रोजन जनरेटेड बाय रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्सेज के थ्रू जो हाइड्रोजन बनाई जाती है। अब देखिए, हाइड्रोजन जो है इसको एज अ फ्यूल हम यूज कर सकते हैं कार्स में, एयरशिप्स में, स्पेसशिप्स में। अब अगर हम इसको एज अ फ्यूल यूज करते हैं तो कार्बन एमिशन कम होगा। देखिए, क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है ना। अब कार्बन की क्वांटिटी हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो अब हमारी कोशिश है कि हम अर्थ पे कुछ भी करें बट कार्बन एमिशन कम हो जाए। तो उसके लिए ग्रीन हाइड्रोजन को अपनाया गया है एज अ फ्यूल। अगर हम इसको जो है यूज करते हैं तो कार्बन एमिशन बहुत कम होता है, या फिर कह लीजिए ना के बराबर होता है, ठीक है। ये एक क्लीन एनर्जी सोर्स है दैट ओनली एमिट्स वाटर वेपर्स एंड लीव्स नो रेजिड्यू इन द एयर।
ये क्लीन एनर्जी सोर्स है, जो अगर जैसे अगर हम इसको यूज करते हैं तो सिर्फ वाटर वेपर्स की एमिशन होती है, कोई एयर में कोई रेजिड्यू नहीं रहता। अब जैसे आप एग्जांपल लेंगे ना, कई बार हम सड़क पे चले होते हैं, बहुत बड़े बड़े ट्रक या HRTC, या आप कह लीजिए HRTC तो नहीं होगा आपके वहाँ पे, बट जो रोडवेज की बसेज होती है, सरकारी बसेज होती है, जब वो चल रही होती है तो कितना धुआं छोड़ती हैं, है ना। तो अब वो जो धुआं है वो पॉल्यूशन है, वो हमारे एयर के लिए, एनवायरमेंट के लिए, एटमॉस्फेयर के लिए हानिकारक है। लेकिन उसमें क्या है, पेट्रोल या डीजल यूज होता है, या आजकल चलो CNG मान लीजिए, पर CNG तो चलिए धुआं नहीं निकालता, बट अभी तक अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो पाई ये चीज, है ना। बड़े बड़े शहरों में हुई होगी बट हर एक स्टेट में नहीं हो पाई है। अब ग्रीन हाइड्रोजन भी एज अ फ्यूल अगर हम यूज करें तो ये वाटर वेपर्स को एमिट करेगा, कोई रेजिड्यू कोई गैस नहीं एमिट करेगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ हमारा फर्स्ट पेज हुआ कंप्लीट। आज हमें काफी ज्यादा पॉइंट्स पढ़ने हैं, तो बस थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें, वीडियो के साथ में नोट्स बनाते रहें, और चलिए अब चलते हैं सीधे अपने नेक्स्ट पेज की ओर। आज का फिफ्थ पॉइंट है, गवर्नमेंट सेट्स अप 3-member panel टू प्रोब मणिपुर वायलेंस। जो मणिपुर में वायलेंस हो रहा है, दंगे हो रहे हैं, उसको चेक करने के लिए, उसकी प्रोबिंग के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए गवर्नमेंट ने 3-member का एक पैनल बनाया है, जिसके जो हेड होंगे वो होंगे चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट। यहाँ पे ये नहीं आएगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने जो 3 members का एक पैनल बनाया है जो इन्वेस्टिगेट करेगा मणिपुर वायलेंस को, वहां पे चीफ जस्टिस होंगे गुवाहाटी हाई कोर्ट के, जो कि हैं जस्टिस अजय लांबा। बाकी के 2 persons कौन होंगे, हिमांशु शेखर दास एंड अलोक प्रभाकर। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इतना डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आता है, बट हाँ अगर आप मणिपुर से बिलोंग करते हैं तब तो आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, जो भी वहां पे दंगे हो रहे हैं उसके लिए 3-member panel बना है, तो आपने ये सब याद रखना है, प्लस मणिपुर का थोड़ा सा जानी। तो चीफ मिनिस्टर है एन बीरेन सिंह, कैपिटल है इम्फाल, गवर्नर है अनुसुईया यूके, और मणिपुर जो है 7 sister states हम पढ़ते हैं, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम, तो उसमें से एक स्टेट है, ठीक है। सिक्स पॉइंट की अगर बात करें तो ये स्पोर्ट्स रिलेटेड है, थाईलैंड ओपन 2023 वन बाय। तो ये थाईलैंड ओपन 2023 किसने जीता है, एन से यूंग ने जीता है, जो कि साउथ कोरिया से है, और ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, बैडमिंटन। तो कोई ओपन ये आता है ना, थाईलैंड ओपन है, ये ओपन वो ओपन, तो आपको पता होना चाहिए कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। एंड ये साउथ कोरिया से है, साउथ कोरिया का कॉन्टिनेंट, कैपिटल, वो सब आपको खुद से देखना है, क्योंकि आज हमारे पास काफी ज्यादा पॉइंट्स है पढ़ने के लिए, तो हम उन पे ज्यादा फोकस करेंगे। सेवंथ पॉइंट आता है, हॉटेस्ट मे डे, मतलब मे मंथ में सबसे गर्म दिन इन चाइना इन लास्ट 100 years इज रिकॉर्डेड इन। चाइना में पिछले 100 सालों में मे मंथ का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया है, कहाँ पे, शंघाई में। टेम्परेचर कितना रहा, 36.1 degree Celsius। अब जो WMO है, वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ये एक वार्निंग दी है दैट 2023 to 2027 will be the warmest 5-year period ever recorded. कि 2023 से 2027 तक का जो टाइम पीरियड है, सबसे ज्यादा गर्मी वाला ये टाइम पीरियड जो है प्रूव होने वाला है 5 साल अगले, ठीक है। एट पॉइंट देखते हैं, बट इसी के साथ एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ में नोट्स बनाएं। अगर आप देखिए साथ साथ में नोट्स बनाते हैं तो मंथ के एंड में आपको स्ट्रेस नहीं होगा कि अब कौन सी मैगजीन परचेज करें, प्लस आप साथ में नोट्स बनाते हैं तो कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है कि नहीं हम ये एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, एटलीस्ट करंट अफेयर्स पे हमारी कमांड अच्छी है, इतना लगने लग जाता है ना, और वो कॉन्फिडेंस आना ही बहुत बड़ी बात होती है। चलिए एट पॉइंट देखते हैं, 15 days मेगा रजिस्ट्रेशन ड्राइव फॉर MSMEs लॉन्च्ड बाय। MSMEs क्या है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो इनके लिए 15 दिन की मेगा रजिस्ट्रेशन ड्राइव लॉन्च की गई है, किसके द्वारा, यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। नाउ मोर देन 90 lakh MSMEs आर एक्टिव इन स्टेट बट ओनली 14 lakhs आर रजिस्टर्ड। अब यहाँ पे 90 लाख से ज्यादा MSMEs है, कहाँ पे, स्टेट की बात हो रही है, नेशनल लेवल की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो यूपी में 90 लाख से ज्यादा MSMEs हैं एक्टिव जो चल रहे हैं, लेकिन रजिस्टर्ड सिर्फ 14 लाख हैं। तो टारगेट ये है कि ज्यादा से ज्यादा MSMEs को एनकरेज किया जाए कि आप आगे आए और रजिस्टर करवाएं अपने को गवर्नमेंट के अंडर, ठीक है। बस इसमें क्या होगा, इट विल ऑल्सो हेल्प इन प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स ऑफ ऑल गवर्नमेंट स्कीम्स टू MSMEs। जितनी भी सरकारी स्कीम्स हैं जो इन बेनिफिशरीज के लिए स्टार्ट की गई हैं, उनका फायदा भी मिलेगा इन MSMEs को, अगर वो उसके अंडर फॉल करते हैं, ठीक है। नाइन्थ पॉइंट देखें तो रिसेंटली किसी की डेथ हुई है जिसका हम पढ़ेंगे, और उनका नाम है आमिर रजा हुसैन। आमिर रजा हुसैन पास्ट अवे रिसेंटली। कौन थे ये, नोटेड थिएटर एक्टर एंड डायरेक्टर। एक्टर भी थे, डायरेक्टर भी थे, एंड इन्होंने एक्टिंग की है इन मूवीज लाइक RRR एंड बाहुबली। बाहुबली एंड RRR जो कि SS राजामौली की मूवी है, ऑस्कर्स तक पहुंची है ना, तो इन मूवीज में इन्होंने रोल भी प्ले किया है, ठीक है।
अब देखिए इसी के साथ हमारा सेकंड पेज भी हुआ कंप्लीट, बट ये लास्ट पेज नहीं है, अभी हमें कुछ और पॉइंट्स भी पढ़ने हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें, वीडियो हल्का सा लंबा होगा बट कोशिश करूंगी कि शॉर्ट से शॉर्ट रहे, ठीक है, और आपको ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स भी मिल सके। तो चलिए अब ज्यादा बातें ना करते हुए सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। आज का 10th पॉइंट है एक अपॉइंटमेंट न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो आप कहेंगे कि हम ये पढ़ चुके हैं, यस हमने पिछले दिन भी पढ़ा था ये, बट हमने जीएसआई के बारे में नहीं पढ़ा था, और जहां से मैं न्यूज लिख रही थी वहां पे जीएसआई के बारे में काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था, तो मुझे लगा कि चलो कोई बात नहीं, एक बार फिर से रिपीट करते हैं इस पॉइंट को। सो नए डायरेक्टर जनरल बने हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जनार्दन प्रसाद। अब यहाँ पे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी फॉर्मेशन 1851 में हुई थी। ये आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर्स हैं कोलकाता में, और ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर कंडक्टिंग जियोलॉजिकल सर्वेज एंड स्टडीज इन इंडिया। इंडिया में जो भी जियोलॉजिकल स्टडीज होती हैं वो सारा काम इनका रहता है, ठीक है, मतलब अर्थ की स्टडी, अर्थ के अंदर क्या है, सॉइल वगैरह की स्टडी, वो सब इसके पास है, इस डिपार्टमेंट के पास है, ठीक है। 11th पॉइंट भी एक अपॉइंटमेंट ही है, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ लत्विया। लत्विया एक कंट्री है जिसके न्यू प्रेसिडेंट बने हैं एडगर्स रिनकेविक्स, एडगर्स रिनकेविक्स, और ये एक कंट्री है नॉर्दर्न यूरोप में, मतलब यूरोपियन कंट्री है, कैपिटल है रिगा, करेंसी है यूरो। तो इस तरह के अपॉइंटमेंट्स हैं, एग्जाम्स में आ जाती हैं, तो आपको बस थोड़ा बहुत याद रखना होता है, बाकी करना वहां पे टिक मार्क ही होता है ना, क्योंकि जो मेंस वाले होते हैं उनमें इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चंस आते ही नहीं, उसमें एनवायरनमेंट से रिलेटेड या कुछ और से कंसेप्ट के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। नाउ 12th पॉइंट आता है यूजीसी रेगुलेशंस 2023 रिलीज्ड बाय। अब देखिए ये जो यूजीसी रेगुलेशंस हैं 2023 में, ये एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी की द्वारा लॉन्च किए गए हैं न्यू दिल्ली में। इन रेगुलेशंस के हिसाब से क्या होगा, समझने वाली बात ये है दैट इट विल फैसिलिटेट क्रिएशन ऑफ मल्टीपल क्वालिटी फोकस्ड डीम्ड यूनिवर्सिटीज इन एन ऑब्जेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। क्रिएट करेंगे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जिसमें ट्रांसपेरेंट वे में सब कुछ होगा, इस तरह से, ठीक है, यूजीसी रेगुलेशंस है। अब आगे चलते हैं 13th पॉइंट की ओर, तो फर्स्ट सोलर सिटी ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी कौन सी बन रही है, सांची, ठीक है। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है एंड इसका वर्क ऑलमोस्ट कंप्लीट है, और ये जो सांची है दिस इज लोकेटेड ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, पूरा लिख लीजिएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर ये लोकेटेड है। सो इट इज एन आइडियल प्लेस फॉर सोकिंग द सन एनर्जी। अब यहाँ पे बात क्या हो रही है, सोलर सिटी बन रही है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी वो सोलर पैनल्स के थ्रू ही होगी, घर घर तक इलेक्ट्रिसिटी जाए जाएगी, कोशिश रहेगी कि वो सोलर पैनल्स जो जनरेट हो रही है वही लोगों तक पहुंचाई जाए और नहीं, है ना। अब ये इसे हमने सोलर सिटी बनाने का क्यों सोचा, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है। अब यहाँ पे ज्योग्राफी का कंसेप्ट आ गया, जो हमारे सन की मूवमेंट है इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देन इक्वेटर, देन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इसके बीच में ही सूरज घूमता रहता है, तो मैक्सिमम सनलाइट इसी के बीच में होती है, और जो इन इमेजिनरी लाइन्स के बीच में जो कंट्रीज आती है उन्हें सनशाइन कंट्रीज भी कहते हैं। तो इंडिया भी सनशाइन कंट्री हो गई, है ना, क्योंकि ये आती है आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिल्कुल बीच से क्रॉस करती है इंडिया के। तो अब क्या है कि उसके ऊपर सिचुएटेड है सांची, मतलब यहाँ पे सनलाइट बहुत ज्यादा होती है, तो उसको हम यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में, ठीक है, जिससे हमारी डिपेंडेंस जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स जो है उन पर काफी कम हो जाएगी, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम पहुंच गए आज के लास्ट पॉइंट की ओर, जो कि है एक डे। तो देखिए हम 7 जून के करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो अब हम पढ़ेंगे कि 7 जून को दिन कौन सा सेलिब्रेट किया जाता है। सो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, क्यों, टू ड्रॉ अटेंशन टू द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर टू हेल्थ। अगर हम गंदा खाना खाते हैं, गंदा पानी पीते हैं, तो उससे हमारी हेल्थ पे क्या इफेक्ट होता है, इस तरफ लोगों का ध्यान ले जाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। टू एंश्योर व्हाट वी ईट इज सेफ, ये एंश्योर करने के लिए कि जो हम खाते हैं वो सेफ है, गंदा नहीं है, जिससे हमारी हेल्थ पे इफेक्ट पड़े, ठीक है। नाउ 2023 का थीम क्या रहा, फूड स्टैंडर्ड सेव लाइफ्स। अगर खाने का एक स्टैंडर्ड रखा जाए तो वो काफी लोगों की जान बचा सकता है, ठीक है, इस तरह से है। चलिए इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स हुए कंप्लीट। आई होप मैंने जो पढ़ाया आपको समझ में आया हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से पता है कि क्या करना है। जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।